हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो सेशन में बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और ये वीकली करंट अफेयर्स हैं। आप सबको बता दूं मैं, ये वीकली राउंडअप है और इसमें पूरे सप्ताह के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, उसे मैंने कलेक्ट किया है। और देखिए, इसका सोर्स जो है हमारे पास, ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का है। ओके, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक देखिए, सबसे पहला टॉपिक है, मैं हाईलाइट करता हूँ, 54 नेशंस नॉट डूइंग एनफ फॉर फाइट स्लेवरी। स्लेवरी से रिलेटेड है। स्लेवरी क्या होता है, आप सबको पता है। स्लेवरी का मतलब था दास्ता, मतलब जब किसी से आप ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। ओके, तो इसे कहते हैं सिंपली दास्ता कहते हैं, आप इस टर्म को समझें। और इसमें कुछ और जो पॉइंट्स हैं उसे मैं हाईलाइट करता हूँ। देखिए, इसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, और एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वाकफ्री फाउंडेशन है, ये इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाला जिसमें ये कहा है कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पर अकेले 40% जो लोग हैं वो मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं इस दुनिया में। एंड द 54 नेशंस जो है उन्होंने देखा गया है कि वो इसमें लैग कर रहे हैं कि वो इरेडिकेट करेंगे। 2030 तक स्लेवरी को कम करना है, 2030 तक स्लेवरी को कम करना है। ओके, तो आप ये देखिए, फैक्ट इसमें आ सकते हैं सीधे सीधे प्रीलिम्स में कि 40% जो हैं वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, 54% जो है 54 नेशन जो हैं वो 2030 तक इसे वो करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और इसमें रिपोर्ट में और भी चीज़ें आ रही हैं कि जैसे इंडिया में काफ़ी कंडीशन इसमें और भी ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी नहीं है इसके लिए जो इसके साथ डील करे, और ना ही कोई एक्शन प्लान है ना। तो ये, और रिपोर्ट में ये भी आया कि 1/3 ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं उन्होंने फोर्स्ड क्रिमिनलाइज, ये जो क्रिमिनलाइज्ड फोर्स्ड मैरिज जो होते हैं, ज़बरदस्ती जहाँ शादियाँ करी जाती है तो उसको इन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया। और 23 जो हैं कंट्री उन्होंने अभी तक ये जो क्रिमिनलाइज कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो बच्चे के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होता है, उसे अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो आप इसे, ये प्री और मैथ्स दोनों के लिहाजे से महत्वपूर्ण है। ओके, दूसरा टॉपिक है, इंडिया ईयू एग्रीमेंट हुआ था, एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कॉपरेशन हुआ था, तो उससे रिलेटेड है। तो बात करते हैं इंडिया, इसके बाद देखते हैं कि इंडिया इन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया है। ओके, किस पे, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन इस पे, और ये नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, यानी कि 2020 से 2025 तक के। इंडिया के बारे में तो आपको पता है, यूरोपियन यूनियन क्या होते हैं, यूरोपियन यूनियन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए, लेट मी टेक अ ब्लैंक पेपर। देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है इसमें टोटल 27 नेशन है, 27 राष्ट्रों का ये एक संगठन है। ये करता क्या है, इसका मेन पर्पस है कि ये पीस इस्टेब्लिश करेगा उस रीजन में, ही सारे के सारे यूरोप में पीस इस्टेब्लिशमेंट और यूनिफाइड इकोनॉमी हो इनकी, है ना, यूनिफाइड इकोनॉमी, इन सबको प्रमोट करना है इसका मेन लक्ष्य है। इंक्लूजन यानी कि समावेशी को प्रमोट करेंगे ये, और डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उन सबको करना है, और ट्रेड में जो बैरियर आते हैं, ट्रेड एंड बॉर्डर के बीच में जो बैरियर आते हैं उन सबको ख़त्म करना है। ओके, तो अब चलते हैं मुद्दे पे, आते हैं कि इस एग्रीमेंट में क्या हुआ है। देखिए, ये जो एग्रीमेंट है इसमें ये कहा गया है कि ये जो इन दोनों के बीच जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया है, इन दोनों के बीच जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च है इसको एक्सपैंड करेगा, ठीक है, जिससे हमारे सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट दोनों होंगे। और इस एग्रीमेंट में इनिशियली जो है सबसे पहले 2001 में हुआ था, और इसे रिन्यू किया गया है 2 बार अब तक, एक बार 2007 में और एक बार 2015 में, इससे पहले 2 बार इसे रिन्यू किया गया, और अभी फिर 2020 में हुआ है ये, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर्स में अगर देखा जाए तो जो लेवल है को इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है इंडिया और यू के बीच में रिसर्च टेक्नोलॉजी में, ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन्होंने सोसाइटल चैलेंजेस जो होते हैं, मतलब सामाजिक चुनौतियां जो होती हैं, जैसे अफोर्डेबल हेल्थ केयर, वाटर, एनर्जी, फूड, न्यूट्रिशंस वगैरह वगैरह, इन सबको स्टेप्ड अप किया है, एड्रेस किया है। तो इस तरह से ये काफ़ी लाभदायक एग्रीमेंट है, और इसमें जो कॉपरेशन हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा
फोकस किया गया है उसके द्वारा वाटर पे, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, ई मोबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी, बायो इकोनॉमी, हेल्थ, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्रों पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। ओके, तो ये हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस। देखिए ब्रीदिंग स्पेस, यहाँ स्पेस से आप कन्फ्यूज नहीं, आपको नहीं होना है कि ये कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ है, नहीं। ये देखिए बेसिकली है क्या, तो इजराइल का एक टीम है, ठीक है, उन्होंने हाई रैंकिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके, डिफेंस ऑफिशियल जो वहाँ के थे और DRDO, इन दोनों ने मिलकर एक रैपिड टेस्टिंग किट तैयार किया है COVID-19 के लिए। ओके, तो इसे COVID-19 से जोड़ के समझें आप, और साथ ही साथ ये जो टेस्ट है तो ये इजरायली टीम्स के द्वारा इसे कंडक्ट किया गया और ट्रायल भी किया गया है, जिसमें एक ऑडियो टेस्ट हुआ है, ब्रीथ टेस्ट हुआ है और थर्मल टेस्टिंग की गई है, और साथ ही साथ एक पोलियामिनो टेस्ट हुआ है। ये सारे टेस्ट हैं जो ये देखता है कि प्रोटीन जो इसमें जो COVID-19 का प्रोटीन है उसको कैसे आइसोलेट करेगा। तो बेसिकली इसका संबंध जो है वो COVID-19 के टेस्टिंग किट्स है, सिंपली आप एक लाइन में से ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए DRDO के साथ मिलके किया है, तो DRDO हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, ठीक है, रक्षा एवं अनुसंधान का में काम करता है ये, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि अनुसंधान और विकास। तो क्या है इसका, तो ये हमारे देश में जो डिफेंस सेक्टर है उसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड कराते हैं, और इसका जो मिशन है सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर, अभी काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की जा रही है। तो ये हमारे देश में इनबिल्ट मतलब जो इंडिजीनियस वेपन्स वगैरह बनाते हैं, ओके, तो ये इनका काम है, और क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं बहुत सारे जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनके लिए, और ये इसका गठन 1958 में हुआ था। ओके, तो देखिए इसमें पहले ये इसका अमलगमेशन हुआ है, यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन को मिलाया गया था जिसका नाम है टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन DTDP, इन दोनों को मिला करके ये बनाया गया था DRDO, है ना, और विथ डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों को मिला करके, सॉरी, तो तीन ऑर्गेनाइजेशन को मिला के बनाया गया। एंड उस समय इसमें इसके 10 लेबोरेटरीज हैं और इसके अभी पूरे देश भर में 50 से ज़्यादा लेबोरेटरीज हैं वगैरह, और भी इसके बारे में कुछ देखे जानते हैं। इनका जो मोटो है, इनका जो मोटो का सेंटेंस है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस, हैं, ओके, एंड ड्राइव्स द नेशन इन पीस एंड वॉर, तो ये इसका मतलब है ना। अब देखिए इसका जो परस्यूट है ये सेल्फ रिलायंस है एंड सक्सेसफुल इंडिजीनियस डेवलपमेंट करना है, यानी कि स्वदेशी तकनीक को विकसित करना, और इन्होंने काफ़ी सारे वेपन्स दिए हैं हमारे देश को, जैसे देख सकते हैं बहुत सारे सीरीज है, अग्नि और पृथ्वी के, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 5, पृथ्वी के सीरीज, लाइट LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका, एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश, ठीक है। तो ये सारे हमारे मिलिट्री को स्ट्रेंथन करते हैं, डिफेंस सेक्टर को इससे बहुत ज़्यादा बल मिला है। तो ये कुछ DRDO के बारे में था। नेक्स्ट एक यूनाइटेड नेशन का बॉडी है, उसके बारे में जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, तो ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, ये बिल्कुल याद रखें। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी, ताकि इसके जरिए इंटरनेशनल रिस्पॉन्स वो दे सकें किसके, कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, यानी कि जटिल आपातकाल स्थिति जो आती है और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, विपदाएं आती हैं, उनको एड्रेस करने के लिए। और ये सक्सेसर है UNDRO, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ कोऑर्डिनेटर का इसको ख़त्म करके ये बनाया गया था यूनाइटेड नेशन OHA, है ना, ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, और ये सिटिंग ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का, और इसके दो हेडक्वार्टर हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे, न्यूयॉर्क एंड जेनेवा। ओके, तो आपने देखा ये UNOHA। अब चलते हैं आगे की आर्टिकल की तरफ,
नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये फिस्कल डेफिसिट से इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब ये कहा जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 83% जो फुल ईयर का टारगेट है उसको टच कर गया है कंट्री का, है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं लेकिन इसमें जो आंकड़े हैं वो ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये जान लीजिए। फिस्कल डेफिसिट देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसके अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन है, व्हेन द गवर्नमेंट्स नॉन बोरोड रिसीट्स फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स इंटायर एक्सपेंडिचर, इट हैज़ टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक टू मीट द शॉर्ट फॉल एंड द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल नॉन बोरोड रिसीट्स इज कॉल्ड द फिजिकल डेफिसिट। आई होप समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये अलग लैंग्वेज है। सिंपली ये समझिए कि आप कमाते कम अपने कमाया 10 रुपये और खर्च कर दिया 15 रुपये, तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट यही है कि जितने गवर्नमेंट के इनकम होते हैं और इनके जो खर्च होते हैं एक्सपेंडिचर, है ना, तो इनकम से ज़्यादा जब एक्सपेंडिचर होता है तो इसे ही बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ओके, तो ये बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैंने बता दिया आपको। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक अस्मिता स्कीम है। देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है नहीं, पर हमारे एग्जाम का नेचर है कि कई बार एक तरफ स्टेट और एक तरफ स्कीम देकर मैचिंग टेस्ट करवा लिया जाता है, तो इस वजह से जान लेते हैं कि ये जो अस्मिता स्कीम है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है और इसका संबंध किससे, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अब जैसे देखते हैं इसकी हेडलाइंस जो है वो, नो वेंडिंग मशीन फॉर सैनिटरी नैपकिन सेटअप अंडर अस्मिता स्कीम, तो ये स्टेट ने हाईकोर्ट से कहा था। ओके, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि सैनिटरी नैपकिन से इसका संबंध है। सैनिटरी नैपकिन जो होता है अफोर्डेबल प्राइस पे स्कूल कॉलेजेस के जो गर्ल्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाने का इसका मेन एम है। तो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो हमारे ज़रूरी नहीं है, बस ये जाने कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कीम है और ये सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराते हैं स्कूल के और कॉलेज के जो गर्ल्स होते हैं उनके लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, द स्टेट हैड अनाउंस्ड दैट अंडर द अस्मिता स्कीम अ पैक ऑफ 8 सैनिटरी नैपकिन इज मेड अवेलेबल टू गर्ल्स अंडर गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं 11 to 19 ईयर ऑफ ऑल जिला परिषद, तो वो उनके अपने आंकड़े हैं, तो बेसिकली आप याद रखेंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे का जो आर्टिकल है बेसिकली ये मैंने एडिटोरियल से स्क्रीन शॉट लिया है। क्यों लिया है देखिए, अब यहाँ पे है फ्राइडेज फॉर इंडिया, तो ये एक कैंपेन है। तो आप एग्जाम में हमारे सवाल में आ सकता है कि जो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया है, इंडिया कैंपेन, इसका संबंध किससे है, यूथ के उत्थान से, ऐसे चीज़ें आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप अगर देखें तो ये कलेक्टिव यंग इन्वायरमेंटल कैंपेन है ना, तो इसको आप याद रखेंगे कि ये। और अभी जो EIA है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट जो 2020 का आया है, ये काफ़ी ज़्यादा विवाद में है, तो इसको लेकर के कैंपेन चला है। तो ये कैंपेन का नाम आप याद रखेंगे कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो आप इससे याद रखेंगे। ठीक है, सिंपली उसके बाद देखिए, उसके बाद है नए, देखिए NGT, इसमें हमेशा से ये न्यूज़ में आते रहते हैं, इस वजह से NGT के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कस किया पहले डेली करंट अफेयर्स में, हालांकि अब मैं इसे वीकली में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि डेली बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स आते नहीं, तो एक टॉपिक दो टॉपिक आता तो मैंने सबको मर्ज करके वीकली राउंड ऑफ कर दिया है। ओके, तो NGT के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, इसका क्या काम है, और हालांकि इसमें देख सकते हैं इन्होंने जो मिनिस्ट्री के ऊपर ये डिसकंटेंट अपना जाहिर करते हैं। ओके, क्योंकि जो आजकल इन्वायरमेंटल कुछ जो ड्राफ्ट आए हैं EIA, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, विवाद में है, और इसमें ये कहा गया है कि इसके लिए जो पैनल बनाए गए हैं वो मॉनिटरिंग इफेक्टिवली नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों का, सबको वर्चुअली बस ऐसे बैठे बैठे रिमोट से उद्घाटन कर दिया जा रहा है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, गांधी किंग इनिशिएटिव, किंग मतलब कौन, मार्टिन लूथर जो थे उनका नाम था, तो उनका किंग लिया गया और महात्मा गांधी का गांधी, तो ये इनिशिएट किसके द्वारा किया गया, सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और इसमें क्या होगा बेसिकली, तो बेसिकली होगा एक्सचेंज प्रोग्राम है ये बिटवीन इंडिया एंड USA, इसको एस्टेब्लिश करेगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो महात्मा गांधी की जो लिगेसी है
उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, और जो सिविल राइट्स लीडर थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना, इन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ आवाज़ उठाया, और समानता के बारे में अमेरिका में उन्होंने ब्लैक्स के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए। ओके, तो इन दोनों के जो लिगेसीज हैं इनको जानना है। और ये इस तरह एक बिल लाया गया था वहाँ पे यूएस के पार्लियामेंट में, और उसमें ये कहा गया कि इस्टेब्लिश करेंगे, उन्होंने ये कहा कि गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी को इस्टेब्लिश करेंगे, ये भी फैक्ट याद रखेंगे। इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इनिशिएटिव बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि जो गांधी जी का अस्त्र था अहिंसा, तो उस पर बेस्ड है। और इसने एक फाउंडेशन को भी प्रपोज किया जिसका नाम होगा यूएस इंडिया गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन, सेटअप किया गया है यूएस एजेंसी के द्वारा, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएस एड के द्वारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर किया है अंडर इंडियन लॉ यानी कि भारतीय कानून के तहत। और इट विल एस्टेब्लिश एनुअल स्कॉलर एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर इंडियंस एंड अमेरिकन टू स्टडी द लीडर्स लीगेसीज, तो ये एनुअल स्कॉलर प्रोग्राम भी करेंगे ताकि जो इंडियन और अमेरिकन स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे के जो लीजेंड हैं गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनके लीगेसीज को जानेंगे एंड विजिट हिस्टोरिक साइट्स इन इंडिया, और भारत में जितने हिस्टोरिक साइट्स हैं वहाँ विजिट करेंगे, एंड यूएस दोनों जगह दोनों एक्सचेंज होगा, इंडिया वाले यूएस जाएंगे, यूएस वाले इंडिया के आएंगे। ओके, एंड रिलेवेंट टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड यूएस सिविल राइट मूवमेंट, तो इन दोनों के लिए ये रिलेवेंट है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है एम आई क्रेस्ट, ये स्कीम क्या है, ये जो है इसे लॉन्च किया गया अटल इनोवेशन मिशन, ये AIM का मतलब आप समझ जाइए, अगर आपसे कहा जाएगा कि नीति आयोग के द्वारा किया गया तो नहीं, AIM अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा किया गया, किसके साथ इसके किया गया, तो ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है और इंडिया का है बाधवानी फाउंडेशन, इन दोनों के साथ कोलेबोरेशन करके किया गया है ताकि एक रोबस्ट इकोसिस्टम बनाया जा सके हाई परफॉर्मेंस स्टार्टअप्स के लिए। तो इस इनिशिएटिव के तहत जो होगा AIMs और अटल इनोवेशन मिशन जो इंक्यूबेटर्स होंगे आर सेट टू बी अपस्केल, तो इनके जो इंक्यूबेशन सेंटर होंगे उनको अपस्केल किया जाएगा, एंड जो आवश्यक सपोर्ट होंगे इंक्यूबेशन इंटरप्राइज को फोस्टर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और अर्थ इसकी जो इकोनॉमी होगी इंक्यूबेशन इंटरप्राइज इकोनॉमी, इनको बूस्ट करने के लिए आवश्यक जो चीज़ें टूल्स होंगे वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, विच विल हेल्प थेम टू सिग्निफिकेंटली इन्हांस देयर परफॉर्मेंस। तो ओबियसली जब आपके पास रिसोर्सेस रहेंगे तो आपके जो परफॉर्मेंस होंगे वो तो इम्प्रूव होंगे ना, अगर आप सिर्फ अभी मोबाइल से पढ़ रहे हैं, आपको लैपटॉप दे दिया जाए, हाई स्पीड इंटरनेट दे दिया जाए, तो आपकी इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे जो जितने भी इंटरप्रेनर्स होंगे उनको टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म के द्वारा, एंड उनको प्रोसेसेस भी बताए जाएंगे उनके प्रोसेस के द्वारा। ओके, तो ये महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे ये इकोनॉमी का फिर से एक न्यूज है, LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो ये होता क्या है, ये एक RBI का टूल है जिसके तहत सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो 1 year to 3 year मनी, याद रखिए 1 to 3 year मनी प्रोवाइड कराते हैं बैंकिंग को जो प्रिवेलिंग रेपो रेट पे। ओके, एंड एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ मैचिंग और हायर टेनर एज द कोलेट्रल के रूप में उनको रखा जाता है। कोलेट्रल का मतलब होता है बंधक, है ना। तो ये टूल है RBI का जो बैंकों को प्रिवेलिंग रेपो रेट पे यानी कि इजी रेपो रेट पे पैसे देते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक्सेप्ट भी करते हैं ये, है ना, ताकि उनके जो टेनर है उनको उससे बंधक जो रखे हैं उनके साथ उसको मैच किया जाए। इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि लॉन्ग टर्म फंड्स जो होंगे वो उनको लोअर रेट पे दिया जाएगा, उनका कॉस्ट ऑफ फंड को कम कर दिया जाएगा, कम होगा, और जो बोरोवर होते हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट जो होंगे उसमें कमी देखी जाएगी। एंड LTRO हेल्प्ड RBI टू इंश्योर बैंक्स टू रिड्यूस देयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग रेट जो होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR जो होता है ना, MCLR इसको कम कर दिया जाए। अगर आपको MCLR ये सब सारी चीज़ें नहीं समझ पाए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमी के वीडियोज में इन चीज़ों को देख के समझ सकते हैं। ओके, हिंदी में वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। एंड विदाउट रिड्यूसिंग पॉलिसी रेट्स, तो बिना पॉलिसी रेट को कम किए, है ना, वो ये प्रोवाइड करेंगे। एंड LTRO ऑल्सो सॉर्ट द मार्केट दैट RBI विल नॉट ओनली रिलाई ऑन रिवाइजिंग रेपो रेट्स, तो इसके द्वारा क्या होगा,
कि आरबीआई सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट पे रिलाय नहीं करेगी, बल्कि वो इसके माध्यम से जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं उनके साथ वो कंडक्ट करेंगे, है ना, कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो OMO, ये सारी चीज़ें आपको जानने होंगे, अलग अलग टर्म है जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है। लेकिन अब इसके जगह पे एक नया जो है नया टूल अपनाया जा रहा है, वो है LTRO, है ना। तो ये है देखिए चीज़ें। ओके, तो ये आप याद रखें। बेसिकली इसमें दो तीन चीज़ें आपको याद रखने हैं कि जैसे लैंडिंग रेट कम कर दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ फंड जो होगा वो कम हो जाएगा, बोरोवर के जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो भी कम हो जाएंगे, और जो MCLR है इसको भी इंश्योर करेगा, और इसका जो टेन्योर है वो है 1 to 3 ईयर, है ना। तो बेसिकली इसमें तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वन राशन कार्ड फैसिलिटी, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो चुका है हमारे देश में। ओके, और फिर इसी कॉन्सेप्ट पे आया था वन नेशन वन वोटर आईडी। तो ये चीज़ें देखिए अब लागू हो गया, वन नेशन वन वोटर आईडी, तो ये ठीक है। बट वन नेशन वन राशन कार्ड जो है इसमें क्या था कि अब आपके पास आप कहीं भी रह रहे हैं, आपके पास राशन कार्ड है, तो आप अपने जो फेयर प्राइस पे PDS जो होता है, ठीक है, फूड आइटम्स आप प्रिवेल कर सकते हैं, और इसमें ये प्रोविजन था कि आप 50% प्रिवेल कर सकते हैं अगर आप दूसरे राज्य में रह रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, तो आपने इसे डिटेल से पढ़ा होगा। और तो ये चीज़ें जाने कि अब 24 स्टेट में इसे लागू कर दिया गया है। ओके, तो अगर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं सेपरेट वीडियो बना के इसे समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट है अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट अचीव क्रिटिकलिटी। अब देखिए अभी UAE ने कुछ दिन पहले इन्होंने अपना मार्स पे फर्स्ट मिशन भेजा, एंड इसका फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जिसका नाम है बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया गया, तो ये यहाँ का भी पहला है, तो ये भी याद रखें। और तो देखिए बराकाह जो होता है इसका मतलब होता है ब्लेसिंग, अरेबिक में इसका मतलब होता है ब्लेसिंग। तो ये है पहला। और पता है कि UAE में, UAE जो है यहाँ पे ऑयल रिच ये एरिया है काफ़ी ज़्यादा, और तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत सारे इसके फैक्ट ये होंगे, अभी और भी चीज़ें इस पे आएंगे तो और भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये पहला है UAE वर्ल्ड का। आप पता है UAE 7 जो एमिरेट्स थे इनको जोड़ के बनाया गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इनका पहला ये है, और इनका पहला जो मार्स मिशन था तो उसे आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे सेपरेट वीडियो है, तो आप उसे देख सकते हैं। ओके, एंड लास्ट टॉपिक हमारा है ढोल के कंजर्वेशन से। यहाँ पे देखा गया है कि जो 3 स्टेट हैं इंडिया के वो हाई रैंक हैं वो ढोल में, जो है कर्नाटका महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखा गया। तो ढोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते जल्दी, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN के लिस्ट में, है ना। तो और ये इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं, 2500 से भी कम हो गए हैं। इसका कारण क्या है, हैबिटाट लॉस, यानी कि इनके जो रहने की जगह है वो उस पर, और जो लॉस ऑफ प्रे, कंपटीशन विथ अदर स्पीसीज, प्रोजुकेशन ड्यू टू लाइव स्टॉक ब्रीडेशन एंड डिजास्टर ट्रांसफर, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आप ये देखिए, और ये भी जगह पाए जाते हैं इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश और पूरे एशिया के रीजन में भी काफ़ी, लगभग 50% से ज़्यादा पूरा एशिया के रीजन में, आई थिंक 40 to 50% से ज़्यादा एशिया के रीजन में ये पाए जाते हैं। ओके, तो आज के इस वीकली राउंड अप में इतने ही आर्टिकल है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में और मज़ेदार तो नहीं कह सकते, बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए उसके साथ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके, सो थैंक यू।